Welcome grade 6, hope you will be fine. Today is 24th August 2020, subject English, grade 6, lecture number 33, see today diary, present continuous uses, formation and examples. Students, you have already read about this particular tense, present continuous, यानी के ज़माना जारी, इनके मौजूदा ज़माने में जो काम चल रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, present continuous कहते हैं. और इसकी पहचान ये होती हैं उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही हैं और रहे हैं वगैरह आता है. फॉर एन एक्शन द प्रेजेंट कंटिन्यूस इज़ यूज्ड. सबसे पहले हम इसके यूजेस पढ़ेंगे, इनके इसके इस्तेमाल क्या हैं. द प्रेजेंट कंटिन्यूस इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि ऐसे काम के लिए जो कि चल रहा होता है किस टाइम, बोलने के वक्त, यानी कि बोलने के वक्त जो काम हो रहा होता है उसे, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. सी द एग्जांपल, शी इज़ सिंगिंग, यानी कि वो गाना गा रही है ना, बोल रही है तो वो गा रही है ना, इनके बोलने के वक्त ये काम हो रहा है ना. नाउ, यानी कि शी इज़ सिंगिंग नाउ. नाउ को मैंने हाईलाइट किए हैं, यानी कि अब वो गाना गा रही हैं. इनके वो गाना किस तरह गा रही हैं, वो बोल रही हैं तो गाना गा रही है ना, तो ये जो काम है ये बोलते वक्त हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर रहे हैं. देयर इज सेकेंड यूज़ फॉर अ टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. फॉर अ टेम्पररी एक्शन हम कहते हैं एक आर्जी काम विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग, यानी कि जो वाकई नहीं हो सकता एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के वक्त. एज एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम रीडिंग, मैं कह रही हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ द जंगल बुक. वट आई एम रीडिंग द जंगल बुक, बट आई एम नॉट रीडिंग एट दिस मोमेंट, यानी कि मैं कह रही हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं रही हूँ, यानी कि जस्ट मैं कह रही हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, बट आई एम नॉट रीडिंग एट दिस मोमेंट. तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे. फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, यानी कि ऐसा काम जो कि मुस्तकबिल करीब में अंजाम देने का इंतज़ाम कर चुका हो. एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम गोइंग टू द रेस्टोरेंट, यानी कि मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ या जा रहा हूँ टू नाइट आज, यानी कि अभी मैं जा नहीं रही, जस्ट मैं मुस्तकबिल करीब में जाने के बारे में बात कर रही हूँ कि आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ टू द रेस्टोरेंट टू नाइट, कब जा रही हूँ, आज. माय अंकल इज़ अराइविंग, यानी कि मेरे अंकल जो हैं वो पहुँच रहे हैं, कब पहुँच रहे हैं, मुस्तकबिल करीब में, यानी कि टुमारो, कल, आने वाले कल में. तो इसके लिए भी, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. फॉर्मेशन, यानी कि इसको बनाने का क्या तरीका है. पॉजिटिव फॉर्म सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स. पॉजिटिव फॉर्म में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट हम फाइल को कहते हैं, यानी कि काम करने वाले को कहते हैं, और साथ में उसके बाद सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास एम, इज़ और आर हैं. उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ होगा प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हम कहते हैं मफूल को, यानी कि जिसके ऊपर काम हो रहा होता है. एज़ यू नो स्टूडेंट्स, एम हम आई के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि आई अगर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो हम उसके साथ एम यूज़ करेंगे. इज़ हम सिंगुलर्स सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे और आर हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम प्लेइंग हॉकी, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हॉकी खेल रही हूँ. आई का आई एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इसके लिए क्या यूज़ किए हैं, एम. प्ले हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हमने आईएनजी यूज़ किए हैं और ऑब्जेक्ट हमारे पास है हॉकी. सेकंड एग्जांपल देखिएगा, वी आर रनिंग फास्ट. वी हम एज अ प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं, सो इसलिए हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ कर रहे हैं. रन जो है वो फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे, रनिंग फास्ट, और फास्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है. एग्जाम्पल थ्री, यू आर राइटिंग अ लेटर. यू एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं इसलिए हम इसके साथ आर यूज़ करेंगे. राइट फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ आईएनजी, राइटिंग अ लेटर ऑब्जेक्ट है. एग्जाम्पल फोर, द डॉग इज़ बार्किंग.
डॉग दी डॉग सिंगुलर है ना, यानी कि कुत्ता जो है इनके ये वो है सिंगुलर है, तो इज़ बार्किंग यानी कि वो बोल रहा है, कुत्ते की आवाज़ को कहते हैं बार्किंग यानी कि कुत्ता भौंक रहा है, तो इसलिए हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ किए हैं। एग्जाम्पल फाइव, दे आर रीडिंग आ बुक, दे प्लूरल यूज़ हुए हैं सब्जेक्ट, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ कर रहे हैं। रीडिंग आ बुक, रीड फर्स्ट फॉर्म है, आई एन जी साथ, और साथ में आ बुक ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल सिक्स, द बॉयज आर टेकिंग द एग्जामिनेशन इन दी इन इंग्लिश, इनके बॉयज़ लड़के ज़्यादा है ना, प्लूरल है ना, तो इसलिए हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ कर रहे हैं। टेक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, आई एन जी साथ लगा देंगे। टेकिंग द एग्जामिनेशन, इनके इम्तिहान दे रहे हैं इन इंग्लिश, इंग्लिश में। ही इज़ रीडिंग वेरियस काइंड ऑफ बुक्स, ही एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं, इसलिए ये हमारे पास सिंगुलर हैं। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ कर रहे हैं हम। नीड फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी रीडिंग वेरियस काइंड ऑफ बुक्स, इनके मुख्तलिफ किस्म की बुक्स जो हैं वो पढ़ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज़ गोइंग टू द लाइब्रेरी, शी एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं, इसलिए ये हमारे पास सिंगुलर है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ कर रहे हैं। गो फर्स्ट फॉर्म है, साथ आई एन जी, टू द लाइब्रेरी एज ऑब्जेक्ट यूज़ हुए हैं। इट इज़ स्टार्टिंग, ये जो हमारे पास एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं जो कि सिंगुलर हैं, इसलिए हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे जो कि इज़ हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेगेटिव फॉर्म देखिएगा, यानी कि जब हमने नेगेटिव फॉर्मेशन देखिएगा, यानी कि जब हमने मनफी जुमले बनाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट आता है हमारे पास सबसे पहले, सब्जेक्ट आपको पता है किसे कहते हैं, फाइल को कहते हैं, काम करने वाले को। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास आते हैं, एम इज़ और आर और प्लस नॉट आते हैं, फिर हमारे पास वर्ब के साथ आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट, इनके ये फॉर्मेशन एज इट इज़ रहती हैं। जस्ट हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के फौरन बाद नॉट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिएगा, आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी, इनके आई जो हैं वो एज सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सो इसके लिए एम आएगा और हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम लोग नॉट ऐड करते हैं, प्लेइंग हॉकी एज इट इज़। वी आर नॉट रनिंग फास्ट, वी एज अ सब्जेक्ट प्लूरल यूज़ हुए हैं, यानी कि हम जो हैं वो तेज़ नहीं दौड़ रहे हैं, तो इसके हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम नॉट यूज़ कर देंगे। सो ऑन यू कैन सी, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, द डॉग इज़ नॉट बार्किंग, दे आर नॉट रीडिंग अ बुक, द बॉयज़ आर नॉट टेकिंग द एग्जामिनेशन इन इंग्लिश, ही इज़ नॉट रीडिंग वेरियस काइंड ऑफ बुक्स, शी इज़ नॉट गोइंग टू द लाइब्रेरी, इट इज़ नॉट स्टार्टिंग। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन फॉर्मेशन है, यानी कि सवालिया जुमला हम कैसे बनाते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको हम सेंटेंस से पहले ले आते हैं, यानी कि एम इज़ और आर एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे हम लोग, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा फ़ौरन, इनके सब्जेक्ट की जगह पर हम लोग सबसे पहले जो हैं वो एम इज़ आर हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, इनके हेल्पिंग वर्ब्स के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब के साथ आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट पे हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं एज यू नो। एग्जाम्पल्स देखिएगा, एम आई प्लेइंग हॉकी, एम देखें एज आ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जुमले में सबसे पहले आ गए हैं, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट हैं, प्ले फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और साथ में हॉकी, यानी कि क्या मैं हॉकी खेल रहा हूँ या खेल रही हूँ, और लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ किए हैं। सो ऑन यू कैन सी, आर वी रनिंग फास्ट, आर हेल्पिंग वर्ब हैं, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट वी यूज़ हुए हैं, रन फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आई एन जी और फास्ट, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है। आर यू राइटिंग अ लेटर, आर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा जुमले में, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट, राइट फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और आ लेटर, एंड सो ऑन यू कैन सी, इज़ द डॉग बार्किंग क्वेश्चन मार्क, आर दे रीडिंग अ बुक क्वेश्चन मार्क, आर द बॉयज़ टेकिंग द एग्जामिनेशन इन इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, इज़ ही रीडिंग वेरियस काइंड ऑफ बुक्स, इनके इज़ हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, ही सब्जेक्ट बाद में, रीड फर्स्ट फॉर्म, देन आई एन जी और वेरियस काइंड ऑफ बुक्स, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इज़ शी गोइंग टू द लाइब्रेरी क्वेश्चन मार्क, इज़ इट स्टार्टिंग और क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स रिवाइज दिस सेंटेंस, रिवाइज दिस टेंस क्लियरली एंड यू विल राइट फाइव सेंटेंसेज ऑफ पॉजिटिव फॉर्मेशन, फाइव ऑफ नेगेटिव और फाइव ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेशन इन योर होम एज अ होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।